पर आपकी साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। शुरुआत करते हैं सीएम अशोक गहलोत से कई मंत्रियों और विधायकों की मुलाकात रही। मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, इसके अलावा डॉक्टर सुभाष गर्ग, जाहिदा खान, विधायक परसराम मुरदिया, विधायक रीता चौधरी, सीएम सलाहकार सीएम लोढ़ा, विधायक आलोक बेनीवाल भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। इनके अलावा विधायक लाखन मीना, संदीप यादव, वाजिब अली, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना ने भी सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात, उनके निवास पर जाकर सभी ने उनसे मुलाकात की। एक फैमिली ट्रांसफर के सिलसिले में विधायक मुरदिया मिले, ये जानकारी सामने आई। लेकिन एक साथ में इतने मंत्रियों का और विधायकों का वहां पर पहुंचना, मुख्यमंत्री के आवास पर और उनसे मुलाकात करना, कहीं ना कहीं अब इस चीज पर भी लोगों की निगाह बनी हुई है कि आखिर सभी ने मिलकर के, क्योंकि हालांकि अलग अलग समय रहा सभी के पहुंचने का और मुलाकातों के दौरों के बीच में हल्का सा गैप भी रहा, लेकिन अपने अपने कारण बताए जा रहे हैं जिन्हें लेकर के सभी वहां पर पहुंचे और उसके बाद ही सभी ने सीएम अशोक गहलोत से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। तो कैंसर की रोकथाम के लिए खुली रजिस्ट्री की राह, सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा की पालना में इसकी कवायद शुरू हो गई है। चिकित्सा विभाग ने कैंसर रोगियों की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। जिलों में डीसीएमएचओ को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। कैंसर पीड़ितों की रजिस्ट्री शुरू करने के लिहाज से हर जिले में डीसीएमएचओ को नोडल अधिकारी इसके लुक आफ्टर के लिए बनाया गया है। रजिस्ट्री के लिए स्पेशली राजकीय और निजी अस्पतालों में मरीजों को न सिर्फ पंजीयन अनिवार्य इसके बाद में किया जाएगा, बल्कि उनका क्षेत्रवार कैंसर टाइप के हिसाब से तैयार हो रहा है डेटा। हर एक डेटा को क्षेत्रवार कैंसर टाइप के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जितने भी कैंसर रोगी हैं, क्षेत्रवार कहाँ से हैं, किस तरह का टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज पर है, उसके हिसाब से पूरा डेटा एक तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद में रजिस्ट्री, चिकित्सा विभाग ने रजिस्ट्री के लिए आईसीएमआर बेंगलुरु से एमओयू साइन किया था और उसी एमओयू के आधार पर ये रजिस्ट्री कैंसर पेशेंट्स की शुरू होगी। कैंसर रजिस्ट्री की कवायद से एक क्षेत्र में जितने भी शोध हो रहे हैं, कैंसर को लेकर जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, उसमें सहायता मिलेगी। क्योंकि समझिएगा इस बात को, डेटा अगर हर चीज़ का होगा और इस बीमारी का होगा जिससे लोगों को लेकर के इतना ज़्यादा डर है, हालांकि इलाज सभी तरह से अब उसका उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कुछ हद तक बीमारी लाइलाज ही मानी जाती है, लेकिन वो टैबू भी लोगों के मन से दूर करने के लिए कई क्षेत्र इस चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, इस क्षेत्र को लेकर कई शोध हो रहे हैं। इस डेटा एनालिसिस के माध्यम से और इस रजिस्ट्री के माध्यम से बकायदा हर पेशेंट की जब डिटेल होगी तो शोध को और ज़्यादा सहायता मिल पाएगी। राजभवन में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान समारोह का आयोजन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस समारोह को संबोधित किया। कहा, आदिवासी क्षेत्रों में आज भी प्राचीन परंपरा और भारतीय संस्कृति नजर आती है। आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और शिल्प को व्यापक स्तर पर संरक्षित किए जाने की जरूरत है। क्रांतिकारी महापुरुष बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर यह समारोह हुआ जिसे राज्यपाल ने संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि जनजातीय समाज में आर्थिक विषमता दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं और आजीविका पर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि शिक्षा की महत्वता को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। क्षेत्र कोई सा भी हो, रहन सहन कैसा भी हो, लेकिन शिक्षा उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी किसी भी एक उस व्यक्ति के लिए या फिर उस बालक के लिए होगी जो कि शहरी क्षेत्र से आता है या फिर ग्रामीण या फिर आदिवासी जनजाति के बच्चे के लिए भी शिक्षा का उतना ही ज्यादा महत्व है। इसके अलावा आधारभूत सुविधाएं हो गई, आजीविका हो गई, इन समस्त चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनजातियों के समग्र विकास के लिए योजना निर्माण में नवाचार भी किए जाए, नई नई योजनाएं लाई जाए, उसके बाद में उनमें भी एक नई इनिशिएट किए जाने की जरूरत है, ये भी कहा। और साथ ही कहा कि नए कार्यक्रमों को आवश्यकता अनुरूप समावेश किया जाना चाहिए। नए कार्यक्रम जब जोड़े जा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें उसमें संकलित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया भी शामिल होंगे। तो वहीं खान विभाग का 3 दिवसीय विशेष अभियान संपन्न हो गया, इस पर जानकारी आपको दे देते हैं। 11 से 13 नवंबर तक इस विशेष अभियान को चलाया गया था जो कि अब सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस अभियान में अवैध खनन के 15, अवैध निर्गमन के 176, इसके अलावा अवैध भंडारण के 4 मामले बनाए गए।
8 FIR दर्ज कर 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। 3 बड़ी मशीनों सहित कुल 200 वाहन और मशीन जब्त किए गए। ये बड़ी कार्रवाई रही इस अभियान के तहत, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में अवैध बजरी खनन को लेकर और अवैध बजरी खनन के माफिया भी एक समय पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लोगों की जान भी गई उनके हमलों के द्वारा, क्योंकि अवैध बजरी को परिवहन करके उसके निर्गमन के तहत जब लेकर जा रहे होते थे तो रास्ते में जो भी कुछ आता था निर्देश शायद इसी तरह के होते थे कि उसे कुचलते हुए निकल जाए। लेकिन यह अभियान उसमें भी कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि वो वाहन वो मशीनें जिनकी सहायता के साथ इस अवैध बजरी का परिवहन किया जाता होगा उन्हें इसमें जब्त किया गया है। 200 वाहन और मशीनें जब्त। इस अभियान के दौरान कुल 529.29 टन खनिज जब्त हुआ है। खान विभाग की टीम ने कुल 70,37,000 रुपए की राशि भी वसूली है, शास्ति की वसूली की है। साथ ही खान विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इस पूरे अभियान को लेकर, जो कि 11 से 13 नवंबर तक चलाया गया, इसको लेकर जानकारी भी साझा की। तो आज हिंदुस्तान के लिए गौरव का क्षण रहा, क्योंकि G20 देशों के समूह में अब भारत अध्यक्षता करने वाला है। जी हाँ, 1 दिसंबर से भारत को आधिकारिक अध्यक्षता की अनुमति मिल गई है। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सौंपेंगे पीएम मोदी को इसकी अध्यक्षता की चाबी, यानी कि 1 दिसंबर को अध्यक्षता के लिए पूरे औपचारिक तौर पर भारत अब अग्रणी बन चुका है। G20 के देश में पहली बैठक के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को चुना। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर को ये सम्मान मिलने वाला है। G20 की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 5 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी और 21 से 23 मार्च को उदयपुर में वर्किंग ग्रुप की बैठक उसके बाद में होगी। वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक होगी 2 से 4 फरवरी तक जोधपुर में। पूरा स्केड्यूल इसका सामने आ गया है हर महीने के साथ में। हालांकि जगहों के बदलाव इसमें किए जाएंगे, लेकिन बैठक इसमें होगी और वर्किंग कमेटी भी इसमें लगातार अपने इनपुट्स देती रहेगी। 21 और 22 अगस्त 2023 को जयपुर में फिर वर्किंग ग्रुप की बैठक होने वाली है और 24 और 25 अगस्त को जयपुर में ही दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक भी इस सिलसिले में होगी। तो वही प्रदेश में खनन क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आप जान लीजिए। जैसलमेर के लाइमस्टोन ब्लॉक ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 21.55% की बोली लगी, जबकि रिजर्व प्राइस थी महज 51.50%। डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड की ओर से इसकी उच्चतम बोली लगाई गई और इसी वर्ष खान विभाग ने रिकॉर्ड 7वां मेजर मिनरल ब्लॉक नीलाम किया था। इस ब्लॉक को नीलाम करने का पहला प्रयास भी विफल रहा। 256 हेक्टेयर क्षेत्रफल के इस ब्लॉक में 178 मिलियन टन खनिज भंडारण रहा। तो फ्रांस और जापान सुधारेंगे पूर्वी राजस्थान के जंगलात। फ्रांस की AFT और जापान की जायका के प्रोजेक्ट लगभग फाइनल इसके लिए हो गए हैं। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में बदल जाएगी इसके बाद में वन और वन्य जीव संरक्षण की पूरी तस्वीर, क्योंकि ये एक बड़ी पहल है जिसमें 13 जिलों के अंतर्गत जितने भी गांव या फिर वो भी संरक्षित क्षेत्र जितने भी हैं, वन और वन्य जीव संरक्षण की एक नई तस्वीर इसके बाद नजर आएगी। फ्रांस की एजेंसी AFD 1700 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट मंजूर कर चुकी है इस पूरे मिशन के लिए और AFD के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज भी इस प्रोजेक्ट को फिर से मंजूरी दी है। प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, PCCF हॉफ डॉक्टर DN पांडे, AIR PCCF अरिजीत बैनर्जी की इसमें खास भूमिका रही, क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी दरकार थी। उसके बाद में जब इस पर सहमति बनी और औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो गया तो इन सभी की इसमें खास भूमिका सामने आई। पूर्वी राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद में जो सूरत और सीरत है वो बदली बदली से नजर आएगी। जैव विविधता को सुदृढ़ करने, आजीविका को के जो साधन है उन्हें और ज्यादा सुधारने और वन पुनर्स्थापना इससे सुदृढ़ हो पाएगी। जापान की जायका का करीब 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही दोनों प्रोजेक्ट्स पर कार्य भी शुरू हो सकता है। काला सोने से मिल रहा खजाने का संबल, क्योंकि वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में पेट्रोलियम से 3600 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला और अप्रैल में 590 करोड़ का। मई की अगर बात करें इसी राजस्व को लेकर तो 422 करोड़ का मई में भी राजस्व रहा। जून महीने में 529 करोड़ का राजस्व रहा और जुलाई में 493 करोड़ का राजस्व रहा। अगस्त की बात अगर करें तो 543 करोड़ का राजस्व और सितंबर में 537 करोड़ का राजस्व रहा। इसके जरिए अक्टूबर महीने में 541 करोड़ का राजस्व पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 18% इस बार राजस्व हासिल हुआ, यानी कि सीधा सीधा 18% का जो फायदा है इस बार इसके जरिए राजस्व को मिला है।
पेट्रोलियम मंत्री प्रमोजन भाया के नेतृत्व में लक्ष्य से ज्यादा यानी कि जो टारगेट था उससे ज्यादा रेवेन्यू इस साल हासिल किया है। अब तक जितने भी सिलसिलेवार महीने गुजरे इसमें कई फीसदी ज्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ है। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की सतत मॉनिटरिंग भी प्रभावी रही क्योंकि पूरे हर एक महीने की मॉनिटरिंग वो करते रहे, जितने भी प्रभावी दिशा निर्देश हैं वो देते रहे और उसी की बदौलत कहा जा सकता है कि जो टारगेट रेवेन्यू पॉइंट था उससे भी कई हद तक ऊपर उठ करके रेवेन्यू इस बार हासिल हुआ। प्रदेश को पहली बार मिला है इतना पेट्रोलियम राजस्व, अपने आप में एक रिकॉर्ड क्योंकि पहली दफा हुआ है जब पेट्रोलियम से जुड़े हुए क्षेत्रों के जरिए इतना राजस्व प्रदेश सरकार को अर्जित हुआ है। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ तक पहुंच सकता है पेट्रोलियम का राजस्व। अभी हाल ही में 1 अप्रैल से जो वित्त वर्ष फिर से शुरू हुआ 5,000 करोड़ तक जो टारगेट है वो पहुंच सकता है पेट्रोलियम रेवेन्यू यानी कि पेट्रोलियम राजस्व का। राजनीतिक नियुक्तियों में वन विभाग पिछड़ा क्योंकि मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही सामने आ रहा है कि मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की अब तक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। 9 सालों से अटकी पड़ी है मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति। आखिरकार नई नियुक्तियों के प्रस्ताव की फाइल कहाँ पर अटकी है ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मेरे ख्याल में सभी के जहन में होगा कि नई नियुक्तियों के प्रस्ताव की फाइल आखिर कहाँ है, क्योंकि फाइल के मिलने के बाद में ही उस पर आगे का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो पाएगा। नियुक्ति वन विभाग के राजस्व अब आपकी जगह जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें हो पाएगी। 2013 में मात्र 24 घंटे के लिए बनाकर रद्द कर दी थी नियुक्तियां। उससे पहले जो सरह का वाकया था वो 2013 में देखने को मिला जब मात्र 24 घंटे के लिए नियुक्तियां बनाकर रद्द कर दी थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये पूरा प्रावधान हुआ लेकिन सरकार की बेरुखी की वजह से नियुक्तियां आगे नहीं हो पा रही। वन्यजीव संरक्षण को लेकर क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो पा रही तो संरक्षण के लिए जितने कार्य किए जा रहे थे वो भी शायद उतने प्रभावी इन दिनों नहीं सामने आ रहे। लेकिन जानकारों और विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि माइनिंग और होटल लॉबी प्रभावित कर रही है नियुक्तियां। इससे जुड़ी हुई जो माइनिंग के क्षेत्र हैं और होटल लॉबी इन नियुक्तियों को प्रभावित कर रही है। कुछ नियुक्तियां इस वजह से भी लंबित समाज में आ रही हैं। कुछ जिलों से आए प्रस्ताव भी उदासीनता की भेंट चढ़े हैं लेकिन सवाल इन सभी के बीच में यही कि कारण चाहे कोई भी हो, कारण भले ही कोई भी हो, लेकिन आखिर कब लेंगे मंत्री हेमाराम चौधरी इस मामले में संज्ञान, क्योंकि इस वजह से वन्यजीव संरक्षण के बारे में भी अब कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लगे हैं क्योंकि नियुक्तियां जब तक वन विभाग के लिए नहीं हो पाती तब तक आगे का काम और आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी कब पूरी होगी। आखिर कब होगी शेरनी तारा की मेटिंग पार्टनर की तलाश पूरी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को तारा के पार्टनर के लिए एशियाटिक लाइन की तलाश है। उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क में तारा का संभावित मेटिंग पार्टनर है। इस विभाग में वन विभाग मेटिंग पेयर बनाने के लिए ब्रीडिंग लोन सिस्टम इसके लिए प्रभावी होता है। आप समझिएगा इसे क्योंकि 6 महीने के लिए मेटिंग पार्टनर की अदला बदली का प्रावधान भी है। लेकिन जयपुर से जिस अधिकारी ने उदयपुर से मेटिंग पार्टनर लाने के लिए पत्र लिखा था वो अधिकारी अजय चित्तौड़ा उदयपुर के DFO है। लेकिन उदयपुर जाते ही चित्तौड़ा ने ऐतिहासिक एशियाटिक लाइन को जयपुर भेजने से इनकार कर दिया। खुद इस संबंध में पत्र लिखा था जब जयपुर में थे लेकिन जब उदयपुर गए तो उसके बाद में खुद ही इस चीज़ से इंतजार लोग कर रहे थे उस पर उन्होंने इनकार कर दिया। उदयपुर जाते ही खुद चित्तौड़ा ने एशियाटिक लाइन को जयपुर भेजने से इनकार किया। अधिकारियों के अहम टकराव के चलते ये आस जो थी वो अधूरी रह गई। उसके बाद में जो कुनबा आगे बढ़ता उसमें भी अब समय है लेकिन आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये जितना भी अहम का टकराव हो या फिर जो भी कारण इसके पीछे रहे हो उसकी भेंट ये सीजन ना चढ़े, उसके बाद में बाघों का कुनबा बढ़े इसको लेकर इस प्रक्रिया पर इस प्रोसीजर पर भी ध्यान कहीं ना कहीं दिया जाए। तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादले के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार क्योंकि तबादलों के लिए बनाई गई पॉलिसी को कार्मिक विभाग ने वापस लौटा दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने इसको लेकर के स्वीकार ये बात की, कहा कि तबादलों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी DOP को भेजी थी लेकिन कार्मिक विभाग ने पॉलिसी को वापस लौटा दिया, यानी कि साफ तौर पर और इंतजार यहां पर शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए करना होगा। दूसरे राज्यों में तबादला पॉलिसी का अध्ययन इसके लिए होगा और उसके बाद में तबादला पॉलिसी में सुझावों को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि एक बड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरेगी पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है। दूसरे राज्यों में भेजकर तबादला जो प्रक्रिया है उसको लेकर के उसमें मंथन होगा, उसके बाद तबादला पॉलिसी में सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। तमाम बातें उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों के लिए इंतजार इस पूरी प्रक्रिया के खत्म होने तक करना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों का स्कूली शतरंज शुरू हुआ। शतरंज खेल के प्रति स्कूली बच्चों में जबरदस्त क्रेज भी नजर आया। 30 जिलों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी बीकानेर में मोहरे एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर भी अच्छी सहायता शतरंज का खेल करता है और इस टूर्नामेंट के जरिए भी मानसिक तौर पर अच्छी मदद ये शतरंज का खेल इन सभी बच्चों की करेगा। राजस्थान के स्कूल्स में पहली बार शतरंज के खेल को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जो मेंटल डेवलपमेंट है, विशेषज्ञ बताते हैं कि शतरंज यानी कि चेस के खेल के जरिए बहुत हद तक वो बढ़ सकता है। राज्य में 33 में से 31 जिलों के खिलाड़ी पूरी टीम के साथ बीकानेर में मौजूद हैं और 7 राउंड में होने वाली ये प्रतियोगिता कल पूरी हो जाएगी। विजेताओं को 16 नवंबर के समारोह के दौरान सम्मानित भी किया जाएगा, यानी कि यहां से जो जीतेंगे उनका सम्मान भी समारोह के खत्म होने के बाद में किया जाएगा। घाटे से जूझ रहे रोडवेज में फिर से अधिकारियों की लापरवाही नजर आई। खटारा बसों की नीलामी करते तो अच्छा राजस्व कमा भी लेते, लेकिन रोडवेज के अधिकारियों ने चुना कबाड़ का विकल्प ही। वैशाली नगर डिपो में कबाड़ में तब्दील हुए लाखों रुपए के वाहन। अब आप इसे कुछ भी समझ लीजिए, मेंटेनेंस का अभाव कह लीजिए या फिर जो भी चीजें, लेकिन कबाड़ में लाखों रुपए के वाहन जो कि एक समय खरीदे गए थे वो तब्दील हो चुके हैं। कुछ वाहन चालू हालत में होते हुए भी नीलामी पर ध्यान उनका समय रहते नहीं दिया गया। फिर तो नीलाम अगर होते तो राजस्व भी अर्जित किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि लंबे समय से खड़े रहते हैं और काफी वाहन इस वजह से कबाड़ में तब्दील भी हो गए। मुख्यालय के कार शाखा वैशाली डिपो से ये बड़ी लापरवाही सामने आई। उस लापरवाही के चलते राज्य सरकार को कई लाख रुपए का चूना भी लगा है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा, लेकिन राजस्थान में इंतजार। राष्ट्रपति भवन में 30 नवंबर को राष्ट्रीय खेलों के पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन राजस्थान में खेल अवार्ड के लिए 4 साल से इंतजार है। वो इंतजार अभी भी शायद खत्म नहीं हुआ है। खिलाड़ियों और कोच को खेल अवार्ड राजस्थान से नहीं दिया जा रहा। खेल परिषद और खेल विभाग के आपसी तनातनी से ये पूरी किरकिरी हुई है और इस किरकिरी का आलम यह है कि लगभग 4 साल इसके इंतजार को राजस्थान को बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान के जो कोच हैं, राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया जा रहा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय खेल अवार्ड मिले, लेकिन उसके बाद से खेलों को लेकर के, इन अवार्ड्स को लेकर के 4 साल से सूखा है। मौजूदा सरकार में एक भी अवार्ड नहीं दिए जा सकते, लेकिन सवाल यही कि ऐसे में प्रदेश के खेल पुरस्कार की गरिमा दिनों दिन कम होती जा रही है। प्रदेश के खेल पुरस्कार अगर वहां जाकर के इस पटल पर पुरस्कृत नहीं हो पाते तो दिनों दिन इसकी जो गरिमा है वो भी कम होती जा रही है।